अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की, बहुत हेल्दी किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार किस्म का पालक गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर इस्तेमाल होंगे, जैसे कि हम लोग घर में बनाते हैं उसी तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगी, सिंपल और इजी वे में। झटपट तैयार करेंगे क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेशर कुकर का, तो बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली है हमारी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पालक गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। उससे मैंने दो बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 5 से 6 अदद, हसब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा धनिया लिया है तकरीबन हाफ बंच, उसको बारीक कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने रफली कट कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं स्पाइसेस की जो इसके अंदर जाने वाले हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून उसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून जाएगा गरम मसाला, यह होममेड है, बहुत खुशबूदार बना हुआ है। इसके अलावा ज़ीरा लिया था, ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के लिया था, उसको ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा क्रश कर लिया है। हल्दी लिए 1/2 टीस्पून और रेगुलर वाली जो मिर्ची होती है लाल वाली, वो भी मैंने लिए 1/2 टीस्पून, क्योंकि हम काली मिर्चें भी यूज़ कर रहे हैं तो लाल वाली मिर्चें थोड़ी बैलेंस रखनी है, इसलिए 1/2 टीस्पून ली हैं। इसके अलावा खड़े मसालों में इसके अंदर मैंने लिए दालचीनी की 4 से 5 स्टिक्स लिए और 6 से 7 लौंगे लिए, तो यही खड़ा मसाला जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, 1/2 कप ऑयल यूज़ करेंगे, 1/2 कप। अब हम बात कर लेते हैं पालक की। पालक इसके अंदर मैंने लिया था 1 kg। लेने के बाद इसकी जो डंडियाँ होती हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया था और बारीक कट करके बहुत अच्छे से वॉश किया है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है और बारीक कट कर लिया था। ये वज़न के हिसाब से है, 1 kg, 1 किलो लिया था। अब हम बात कर लेते हैं गोश्त की। गोश्त इसके अंदर हम ले रहे हैं गाय का, मैं यूज़ कर रही हूँ बोनलेस, ये है 750 ग्राम्स। अगर आपके पास हड्डी वाला गोश्त है तो बहुत ही अच्छा है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन मेरे पास अभी यही अवेलेबल था तो मैंने लिया है बोनलेस, तो ये 750 ग्राम्स है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया था, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पालक रेडी कर लेंगे जो हमने वॉश करके रखा था। मैं क्या करूँगी, इस देगची के अंदर ये पालक हम सारा डाल देंगे। तो ये देखिए बुझ के नीचे बैठ जाता है, पालक देखने में लगेगा कि ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर स्टीम आएगी तो ये नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाएगा। तो सारा पालक इसके अंदर डाल दूंगी मैं। पहले पालक मैंने सारा डाल दिया था, अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पालक में ख़ुद भी पानी होता है जो रिलीज़ करते हैं, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन 1/2 ग्लास के करीब, वरना ये ना हो कि तली में कभी पालक लगना शुरू हो जाए। बस थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है, लिड मैं लगा दूँगी और इसको हमने ओवर कुक नहीं करना है। 6 से 7 मिनट टाइम देके इसको कुक करेंगे ताकि बस सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पे पकते हुए पालक को, आप देख सकते हैं खुश रंग है, ये बुझ भी गया है, नीचे की तरफ बैठ गया है। इसके अंदर देखिए एक्सेस वाटर है, इसको मैं क्या करूँगी, एक छलनी की मदद से छान लूँगी, सारा पानी ड्रेन कर लूँगी और ये जो मिक्सचर है इसका पालक का, इसको हम ठंडा करके ब्लेंड करेंगे। पहले इसको ठंडा करेंगे, पहले इसका पानी ड्रेन करके इसको ठंडा कर लेंगे। एक्स्ट्रा इसको बिल्कुल कुक नहीं करना, वरना इसका कलर जो है ग्रीन ख़राब हो जाता है। बस मैं इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और इसका पानी ड्रेन कर लूँगी। जब तक पालक हमारा ठंडा हो रहा है हम गोश्त रेडी कर लेते हैं। चूल्हे पे मैंने क्या करा है, एक प्रेशर कुकर रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया था। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर डालूंगी ऑयल, ऑयल चला जाएगा इसके अंदर, ऑयल मैंने डाल दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज जो कट करके रखी थी, सारी चली जाएगी। प्याज मैंने डाल दी है, प्याज को हम इतनी देर कुक करेंगे कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था, देखिए इस तरह का टेक्सचर आया है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं किया है, इस तरह का मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे हम। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इस पॉइंट पर मैं डाल दूँगी गोश्त, हमें गोश्त की भी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। बस ये सारा गोश्त चला जाएगा डालने के बाद, इसको ज़बरदस्त हमने भूनना है। गोश्त मैंने डाल दिया है, गोश्त की मैं भुनाई करती जा रही हूँ, इसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता इतनी देर के लिए हम भूनेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। गोश्त की भुनाई हो रही है ज़बरदस्त किस्म की। अब मैं क्या करूँगी, जो दालचीनी की स्टिक्स रखी थी हमने लेके, ये इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसकी भी अच्छी खुशबू आ जाए, लौंगे भी डाल देंगे साथ साथ, और ये खड़े मसाले डाल के गोश्त की अच्छे से भुनाई करेंगे। गोश्त अच्छे से भुन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बस देखें ज़बरदस्त इसका एक कलर आ गया है। अब मैं इस पॉइंट में डालूंगी जो मैंने टमाटर कट करके रखे थे,
सारे टमाटर चले जाएंगे इसके अंदर। टमाटर डाल के हल्के हाथ से इस तरह से मैं मिक्स करूँगी अच्छे से इसको। टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। टमाटर मैंने डाल दिए थे, सारे स्पाइसेस जाएंगे, लेकिन इसके अंदर काली मिर्च और गरम मसाला अभी नहीं डालेंगे। जब पूरी कुकिंग हो जाएगी तो लास्ट में डालेंगे। तो इसमें चला जाएगा अभी ज़ीरा, हल्दी पाउडर चला जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक। काली मिर्चें और गरम मसाला हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो ये सारे मसाले इसके अंदर चले गए। सारे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी, इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि भुनाई करने में आसानी रहे। बस बिल्कुल थोड़ा सा बस पानी ऐड कर लिया है, अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। और सब चीज़ें चली गई थी, भुनाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट ही कर ली है। देख सकते हैं आप, देखिए इसका, देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, इसका मतलब है सब चीज़ें बहुत अच्छे से भुन गई हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त है, देखिए ऑयल आना ऊपर शुरू हो गया, इसका मतलब है भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालूँगी इसके अंदर पानी। पानी हम इतना यूज़ करेंगे कि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 गिलास से करीब पानी, ये इनफ होगा। जैसे ही इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो इसके ऊपर हम लिड लगाएंगे। बॉयल आना शुरू हो गया है, जब बॉयल आने लगता है तभी हम कुकर का ढकना लगाते हैं, ये प्रिकॉशंस होती हैं। तो बस मैं इसका लिड लगा दूंगी। लिड लगाने के बाद जब इसकी विसल चलना शुरू हो जाएगी उसके बाद का टाइम नोट करूंगी और मैं लगाऊंगी तकरीबन 12 मिनट का प्रेशर। आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कैसा है, अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आप 15 मिनट का भी दे सकते हैं। बस पहले मैं इसका लिड लगा दूंगी। पालक जो मैंने ड्रेन करके रखा था, देखें छलनी में रख दिया था मैंने, जैसे आपको बताया था, इसका एक्सेस वाटर देखें सारा नीचे की तरफ, देखें ड्रेन हो गया है सारा पानी, काफ़ी हद तक ये ठंडा भी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक जग ले लिया है, इस जग में मैं ये डालूँगी और डालने के बाद दूध जो मैंने रखा है वो डाल के हम इसको ब्लेंड करेंगे। पहले हम सारा पालक इसके अंदर ऐड कर देंगे। पालक मैंने सारा डाल दिया था, अब जो मैंने आपको ये दूध दिखाया था 1/2 कप ये डाल देंगे। ये डाल के इसकी हमने ब्लेंडिंग करनी है। दूध डालने का मकसद ये होता है कि इसका जो ग्रीन कलर ओरिजिनल पालक का जो होता है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, हरा भरा बनता है। तो बस मैं इसको क्या करूँगी, ब्लेंड करूँगी, लेकिन बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा सा ही रखना है। ब्लेंडिंग मैंने अच्छे से कर ली थी, देखिए इस तरह से दरदरा मैंने पीसा है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बना लिया, थोड़ा दरदरा ही रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सा रेडी हो गया। अब कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला था तो इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। गोश्त को हमने प्रेशर दे दिया था 12 मिनट का। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस डेगची में डाल लूँगी ताकि आप लोगों को देखने में भी आसानी रहे। तो ये मैं इसके अंदर शिफ्ट कर रही हूँ सारा मसाला, गोश्त का मसाला मैंने सारा गोश्त के अंदर डाल दिया था। इसके अंदर आप देख सकते हैं ग्रेवी भी है, ये इनफ है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर पालक भी डालना है जो कि हमने ग्राइंड करके रखा था। तो सारा पालक इसके अंदर चला जाएगा ग्राइंडेड, ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से थोड़ी देर और पकाएंगे। पहले मैं इसे डाल देती हूँ इसके अंदर, पालक मैंने डाल दिया था। पालक डाल के मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स करूँगी, इसकी हमें मिक्सिंग अच्छे से करनी है। और मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूँगी जो कि मैंने आपको दिखाई थी, मैंने दरमियान में से कट कर ली थी। ये होगा कि साथ में पक जाएंगी तो अच्छी सी खुशबू आएगी। और साथ ही डाल दूँगी इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और जो काली मिर्चें रह गई थी मैंने कहा था बाद में डालेंगे, ये चली जाएंगी इसके अंदर। डाल के इसको मिक्स करूँगी, फिर मैं इसका लिड लगा दूँगी और तकरीबन 10 मिनट इसको पकाऊँगी ताकि सब चीज़ें आपस में मिल के यकजान हो जाए, एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसके अंदर डिवेलप हो जाए। बस मैंने क्या कर रहा है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। पहले थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रही हूँ, कुकिंग के दौरान डाल दें तो अच्छी सी खुशबू आती है, बाकी हम गार्निशिंग में डालेंगे। अब मैं इसके ऊपर लिड लगा दूँगी और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। 10 से 12 मिनट हो गए थे कुकिंग होते हुए, देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक परफेक्ट सा लुक आ गया है। तेल भी देखें ऊपर की तरफ आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। पालक गोश्त हमारा बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का बना है। बस मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार किस्म का पालक गोश्त हमारा बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गया है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है। आपने देखा मैंने कितना झटपट इसको रेडी किया है। मैंने अब क्या किया है, एक सर्विंग बोल ले लिया है, हमने इसको सर्व करना है। बहुत मज़ेदार और खुशबूदार आप इसका टेक्सचर देखें ना, बहुत ज़्यादा थिक बना है, परफेक्ट बना है। इसको आप नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, ये बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ लोग इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खाना पसंद करते हैं। तो जैसी आपकी मर्ज़ी वैसे खाएं और इन्जॉय करें। बस मैं इसको डिश आउट कर लूँगी।
मज़ेदार खुशबूदार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पालक गोश्त बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपने देखा मैंने कितना जल्दी इसको रेडी कर लिया है। अगर आप चाहें तो विद बोन भी बना सकते हैं, वैसे मैंने बोनलेस यूज़ किया था। बोन के साथ बनाएंगे तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो मेरे पास बोनलेस था तो मैंने वही बना लिया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए जैसे मैंने आपको सिखाया, बहुत सिंपल और ईजी वे में बनाया है और बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका पालक गोश्त कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, नए हैं सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।